कार्ल जंग मानव मानस को समझने में एक पथ प्रदर्शक। कार्ल जंग एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे खुद को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनके विचार आज भी मनोविज्ञान को आकार देते हैं। जंग का जन्म 1875 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनका मन जिज्ञासु था। यही जिज्ञासा उन्हें मानव मानस की गहराइयों में ले गई। जंग ने एक मनोचिकित्सक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने कुछ समय के लिए सिगमंड फ्रायड के साथ काम किया, लेकिन जंग के अपने विचार थे। उनका मानना था कि हम अपने चेतन विचारों से कहीं अधिक हैं। जंग ने अचेतन को एक विशाल अनछुए क्षेत्र के रूप में देखा। उन्होंने इस आंतरिक परिदृश्य की मैपिंग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जंग के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक आत्मज्ञान के बारे में है। उन्होंने कहा, व्यक्ति प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधेरे को सचेत बनाकर प्रबुद्ध होता है। जंग ने आद्य रूपों और सामूहिक अचेतन जैसी अवधारणाओं को पेश किया। उन्होंने हमें दिखाया कि पूर्णता का मार्ग हमारे सबसे अंधेरे हिस्सों से होकर जाता है। छाया स्वजंग के काम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह हमारा वह हिस्सा है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं। हमारी छाया में हमारे डर, खामियां और गहरी असुरक्षाएं हैं। हम अक्सर इन पहलुओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, और तो और हम उन्हें खुद से भी छिपाते हैं। लेकिन जंग ने परछाई को अलग तरह से देखा। उनका मानना था कि इसमें बहुत शक्ति है। हमारी परछाई सिर्फ नकारात्मक नहीं है, इसमें सकारात्मक गुण भी शामिल हैं जिन्हें हमने दबा दिया है। हो सकता है कि हमें लगे कि हम सफलता के लायक नहीं हैं, या हमें सिखाया गया है कि बाहर खड़े होना गलत है। ये विश्वास हमारे हिस्सों को परछाई में धकेल देते हैं। अपनी परछाई को अपनाना चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है। हमें खुद के उन हिस्सों को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन्हें हम नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी परछाई को एकीकृत करते हैं, हम और अधिक संपूर्ण होते जाते हैं। जंग ने सिखाया कि सच्ची वृद्धि हमारी परछाई को स्वीकार करने और उसे एकीकृत करने से आती है। व्यक्तित्व जंग के काम की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह हमारे वास्तविक स्व बनने की प्रक्रिया है। इस यात्रा में हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को एकीकृत करना शामिल है, प्रकाश और अंधेरे दोनों को। व्यक्तित्व पूर्ण होने के बारे में है, पूर्ण होने के बारे में नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का मार्ग अद्वितीय है। इसका कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। इसके लिए हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होगा, अपने सपनों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने के लिए। हमें अपने और दुनिया के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्तित्व एक आजीवन प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और बदलते हैं, हमारी परछाई के नए पहलू उभर सकते हैं। जंग का मानना था कि व्यक्तित्व एक पूर्ण जीवन की कुंजी है। जब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का दोहन करते हैं। हम अधिक रचनात्मक, दयालु और लचीला बनते हैं। आत्मज्ञान के बारे में जंग का दृष्टिकोण कई पारंपरिक अवधारणाओं से अलग था। वे इसे सतत आनंद या वैराग्य की स्थिति के रूप में नहीं देखते थे। जंग के लिए आत्मज्ञान पूर्ण होने के बारे में था। इसका मतलब था खुद के सभी पहलुओं को एकीकृत करना, जिसमें हमारी परछाई भी शामिल है। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास के बारे में सामान्य विचारों को चुनौती देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपने मानवीय स्वभाव से ऊपर उठना। जंग ने तर्क दिया कि सच्ची वृद्धि हमारी मानवता को पूरी तरह से अपनाने से आती है। इसमें हमारी खामियां, दर्द और संघर्ष शामिल हैं। आत्मज्ञान के प्रति जंग का दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक है। यह वास्तविकता से बचने के बारे में नहीं है, यह जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ने के बारे में है। जब हम अपने अंधेरे को सचेत करते हैं तो हमें स्पष्टता प्राप्त होती है। जंग के विचार में आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5, सारा की कहानी, परछाइयों में एक यात्रा। सारा खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसका करियर सफल था, प्यारा परिवार था, लेकिन अंदर खालीपन था। सारा ने दूसरों को पहले रखा, कभी ना नहीं कहा। उसने सीमाएं निर्धारित करना और ना कहना सीखा। अपनी परछाई को अपनाकर सारा को संतुलन और आनंद मिला। सेक्शन 6, अपने अंधेरे का सामना करने की शक्ति।
सारा की कहानी छाया कार्य की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। जब हम अपने अंधेरे का सामना करते हैं तो हमें अक्सर खजाना मिलता है। हमारी परछाई हमारे विकास की कुंजी रखती है। वे हमें दिखाते हैं कि हमें कहां ठीक होने की जरूरत है। ये काम आसान नहीं है। खुद के उन हिस्सों को देखने के लिए साहस की आवश्यकता होती है जिन्हें हमने अस्वीकार कर दिया है। लेकिन जैसे ही हम इन पहलुओं को प्रकाश में लाते हैं, कुछ उल्लेखनीय होता है। हमें खुद के लिए दया आती है। हमारी परछाइयों का सामना करने से भी ऊर्जा मुक्त होती है। अपने अंधेरे का सामना करने की प्रक्रिया अधिक से अधिक आत्मस्वीकृति की ओर ले जाती है। सेक्शन 7, आत्म खोज के लिए व्यावहारिक कदम। तो हम आत्म खोज की इस यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं? पहला कदम आत्म जागरूकता पैदा करना है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप कब ट्रिगर महसूस करते हैं। ये क्षण अक्सर छाया पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूं? ये मुझे किस बात की याद दिलाता है? छाया कार्य के लिए जर्नलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है। बिना खुद को सेंसर किए स्वतंत्र रूप से लिखें। अपने विचारों और भावनाओं को पृष्ठ पर बहने दें। अपने लेखन में पैटर्न की तलाश करें। बार बार कौन से विषय सामने आते हैं, ये आपकी परछाई के बारे में सुराग दे सकते हैं। सपने परछाई का एक और प्रवेश द्वार है। जंग का मानना था कि सपने अचेतन की भाषा बोलते हैं। एक ड्रीम जर्नल रखें। जागते ही अपने सपनों को लिख लें। जंगियन मनोविज्ञान में प्रशिक्षित चिकित्सक या कोच के साथ काम करने पर विचार करें। छाया कार्य तीव्र भावनाओं को सामने ला सकता है, इसलिए समर्थन प्राप्त करना सहायक होता है। सेक्शन 8, छाया को एकीकृत करने के लाभ। हमारी परछाई को एकीकृत करने से अनेक लाभ मिलते हैं। हमें खुद की गहरी समझ हासिल होती है। यह आत्मज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। जैसे जैसे हम अधिक प्रामाणिक होते जाते हैं, हमारे रिश्ते बेहतर होते जाते हैं। छाया कार्य हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। जैसे ही हम अपनी परछाई को एकीकृत करते हैं, हम अधिक दयालु बनते जाते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छाया कार्य अधिक से अधिक आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। सेक्शन 9, आत्मज्ञान के बारे में आम भ्रांतियां। आत्मज्ञान के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब हमेशा खुश रहना है। दूसरों का मानना है कि यह मानवीय भावनाओं से ऊपर उठने के बारे में है। जंग का दृष्टिकोण इन विचारों को चुनौती देता है। उनके विचार में सच्चा आत्मज्ञान मानवीय अनुभव के सभी पहलुओं को समेटे हुए है। एक और आम गलतफहमी यह है कि आत्मज्ञान एक अंतिम गंतव्य है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसका वर्णन इसी तरह करती हैं, लेकिन जंग ने इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा। हम आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचते और बढ़ना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हम जीवन भर खुद के नए पहलुओं की खोज करते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी सांसारिक चिंताओं को पीछे छोड़ देना। वे सोचते हैं कि यह दुनिया से अलग होने के बारे में है। जंग का दृष्टिकोण अलग है। उनका मानना था कि सच्ची वृद्धि जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ने से आती है। आत्मखोज केवल खास लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। सेक्शन 10, छाया कार्य में सपनों की भूमिका। जंग के आत्मखोज के दृष्टिकोण में सपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उन्हें हमारे अचेतन के संदेश के रूप में देखा। सपने अक्सर खुद के उन पहलुओं को प्रकट करते हैं जिनके बारे में हमें जागृत जीवन में पता नहीं होता है। वे हमारी परछाई में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। जंग का मानना था कि सपने प्रतीकों में बोलते हैं। ये प्रतीक व्यक्तिगत और सार्वभौमिक हैं। एक सपने में सांप एक व्यक्ति के लिए भय का प्रतिनिधित्व कर सकता है, दूसरे के लिए यह परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। अपने स्वयं के स्वप्न प्रतीकों की व्याख्या करना सीखने में समय और अभ्यास लगता है। छाया कार्य में बार बार आने वाले सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे अक्सर अनसुलझे मुद्दों या खुद के उपेक्षित पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। अपने सपनों के साथ काम करने के लिए उन्हें रिकॉर्ड करके शुरुआत करें। अपने बिस्तर के पास एक पत्रिका रखें। जागते ही अपने सपनों को लिख लें। समय के साथ पैटर्न उभर सकते हैं। सेक्शन 11, सामूहिक परछाई, सामाजिक प्रतिमानों को समझना। जंग की छाया की अवधारणा व्यक्तियों से परे है। उन्होंने सामूहिक परछाइयों की भी बात की।
ये मानव स्वभाव के पहलू हैं जिन्हें पूरे समाज दबा देते हैं। वे सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और सामाजिक समस्याओं में दिखाई देते हैं। सामूहिक परछाइयों के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए हमें अपनी संस्कृति के बारे में असहज सच्चाइयों को देखना होगा। हमें उन तरीकों का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है जिनसे हमने अनुचित व्यवस्थाओं से लाभ उठाया है, या पहचाने कि हमने अनजाने में हानिकारक विश्वासों को कैसे बनाए रखा है। लेकिन सामाजिक विकास के लिए सामूहिक परछाइयों से जुड़ना महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न समूहों के बीच अधिक समझ पैदा हो सकती है। यह लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। जब हम अपनी सामूहिक परछाई को पहचानते हैं तो हम सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सामूहिक परछाइयों की खोज करने से हमारी आत्मसमझ गहरी होती है। सेक्शन 12 आंतरिक अन्वेषण के लिए आपका निमंत्रण। अब मैं आपको आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। याद रखें, यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। मूल बात यह है कि जिज्ञासा और करुणा के साथ खुद से संपर्क करें। अपने आंतरिक परिदृश्य का पता लगाते समय अपने साथ कोमल रहे। छोटी शुरुआत करें। हो सकता है कि दैनिक जर्नलिंग अभ्यास से शुरुआत करें, या अपने सपनों पर अधिक ध्यान दें। दैनिक जीवन में अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। आप में कौन सी चीजें प्रबल भावनाओं को जन्म देती हैं? ये छाया कार्य के लिए प्रवेश बिंदु हो सकते हैं। जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, किसी चिकित्सक या भरोसेमंद दोस्त से सहायता लेने पर विचार करें। अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। अपनी आंतरिक यात्रा के बारे में बात करना शक्तिशाली हो सकता है। यह हमें कम अकेला महसूस करने में मदद करता है। यह नई अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। याद रखें, लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह पूर्णता है।